वो दिन कितने प्यारे ओम शांति ओम शांति।
पुराने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन, छोड़ो तो छूटो। बाप दादा के पास बेहद के अखूट प्रॉपर्टी है जिसे कोई भी ले सकता है, लेकिन यह अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। और जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं, फिर दोष संस्कारों को देते कि संस्कार नहीं छूटता। छोड़ने से छूट जाएंगे, इसलिए कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। अब अपने पुराने स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करो। ओम शांति। वेलकम। जो व्यक्ति शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 23, पुराने स्वभाव और संस्कार का परिवर्तन। आज का टॉपिक है छोड़ो तो छूटो। तो अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे और फिर उसके बाद हमारे साथ केन भाई होंगे और हम उनको सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम शांति आप सबको। गुड मॉर्निंग नहीं, वहां पे तो गुड इवनिंग है। बाबा इज गिविंग अस, बाबा हमें सो मेनी ट्रेजर्स, इतने सारे खजाने दे रहे हैं, ज्ञान के, शक्तियों के, वरदान के, और हम वो सब चाहते हैं ताकि वो मेरे स्वभाव का, मेरी पर्सनैलिटी का, मेरे संस्कार का हिस्सा बने। हम अंधेरा और प्रकाश को इकट्ठे पकड़कर नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे प्रकाश अंदर आता है तो अंधकार मिट जाता है। तो ये स्वाभाविक नेचुरल होना चाहिए ना। तो हम दो पुरुषार्थ नहीं कर सकते कि एक प्रकाश लाने का और दूसरा कि अंधकार को दूर करने का। तो एक ही पुरुषार्थ है और वो पुरुषार्थ है कि प्रकाश को लाने का। तो एक जो सबसे अच्छी विधि है वो है कि वास्तव में लेकर आना, समझ, ज्ञान की शक्ति को। क्योंकि जितनी समझ आती है, जितना सारा
जो अज्ञान है वो निकल जाता है. अगर अभी तक भी हम कोई अज्ञान को पकड़े हुए हैं, कोई भी तरह का अज्ञान हमारे अलग अलग विचार, अलग समय के हमारे भिन्न तरह के विचार, हमारे संकल्प, कुछ भी जो अज्ञान से है, उसका अर्थ है कि मैं उसको, मैं ज्ञान के प्रकाश को नहीं पकड़े हुई. एक कहानी है तोते की, कि वो एक टहनी को पकड़े रहता था और कहता था कि मुझे मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे उड़ना है. तो फिर जो मालिक कहता था वो कि उसको छोड़ो, डाली को छोड़ दो. लेकिन वो उसको भी बार बार बोलते थे कि मुझे तो डाली को छोड़ना है, मुझे डाली को छोड़ के उड़ना है. लेकिन वो सिर्फ उसको दोहराता था, लेकिन वो डाली को छोड़ता नहीं था, क्योंकि उसको इतनी आदत थी उसको पकड़ के रखने की. इतना वो वैसे ही हमारे साथ है, तो ये सिर्फ आदत है. सो अंदर में लेके आना है ज्ञान का प्रकाश. और अब ज्ञान सिर्फ प्रकाश ही नहीं है, लेकिन ज्ञान बल भी है. कोई भी तरह का ज्ञान वो आपको क्षमता देगा कि जिससे चीजें कार्य करें, whether it is your electricity, चाहे वो इंटरनेट है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि बिजली है. जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वो कर सकते हैं, वो उसको फिक्स ठीक कर देते हैं और जो चीजें हैं उनको वैसे कार्य में ला सकते हैं. और फिर यानी कि उसमें करंट आ रहा होता है. फिर तो ज्ञान को शक्ति में, बल में परिवर्तन करना, जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं या हम कोई चीज में प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं और कोई आपको कह रहे, कोई कहे कि आप क्यों प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं. हाँ, मैं जानती हूँ लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए. तो उसका अर्थ है कि ज्ञान है लेकिन उसका बल नहीं है. तो बाबा अभी हाल ही में इतना बात कर रहे थे कि हम में सर्वशक्तियां होनी चाहिए. और बाबा ये भी कहते हैं कि सीट पर, स्वमान की सीट पर, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठकर on the seat of self-respect, अगर हम स्वमान की सीट पर, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठते हैं तो शक्तियां आपको सुनेंगी, क्योंकि आप सीट पर बैठे हैं. उसका अर्थ है कि अगर हमें सहन शक्ति चाहिए, सम्माने की शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, परख शक्ति, निर्णय शक्ति या जो कोई भी शक्ति, तो वो शक्ति उमर्ज हो जाएगी, यानी कि प्रकट हो जाएगी. लेकिन अगर हम भूल जाते हैं और अगर हम अपनी सीट पर नहीं होते, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर नहीं होते, तो वो सर्वशक्तियां हमारे कहना नहीं मानेंगे. तो कितने सारे हम में से, हमको ज्ञान सब पूरा है लेकिन हम उसको बल के रूप में नहीं प्रयोग करते, हमने उसको परिवर्तन नहीं किया शक्ति के रूप में. तो ये होता है जीवन में कि जैसे कि हम भोजन खाते हैं तो भोजन तो बदलना चाहिए ना, ऊर्जा में परिवर्तन होना चाहिए हमारे शरीर में. तो लेकिन अगर हम भोजन खा के भी अगर हमें बहुत कमजोरी आ रही है, तो उसका अर्थ है कि जो भोजन है वो हजम नहीं हुआ या वो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ.
तो ऐसे ही ज्ञान भी है, हम ज्ञान लेते हैं, हम मुरली सुनते हैं, हम ज्ञान देते भी हैं, हम ज्ञान की बात भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हमारे अंदर शक्तियां नहीं होती हैं। तो हम उसे सरल चीजों के लिए प्रयोग करें, जैसे एक शक्ति बाबा चाहते हैं कि हम एक जो शक्ति का प्रयोग करें वो है छूटे, छोड़ो और छूटे, यानी कि जो पुराना है हमारे बीती से, अगर मैं अपनी बीती को याद करती रहूं, अपने जो मेरे पुराने संस्कार हैं वो दोबारा से प्रकट हो जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं चिंतन करूं, मंथन करती रहूं, ज्ञान का मंथन पूरा समय मंथन करती रहूं, ज्ञान का मंथन करती रहूं, तो सारे जो संकल्प हैं पुराने संस्कारों से वो अपने आप ही दब जाएंगे। तो मैं छोड़ पाऊंगी और मैं मुक्त हो पाऊंगी। तो इसके साथ ये भी कहा जाता है कि जब ज्ञान होता है तो हमारे को गुण भी होते हैं। तो अगर मैं अपने आप को याद दिलाते रहती हूँ कि मुझ में और धैर्यता होने चाहिए, तो मुझे अधैर्य नहीं होना है, रिमाइंडिंग की बजाय धैर्यता का प्रयोग करना है प्रैक्टिकल रूप में। अच्छा ठीक है, मुझे धैर्यता रखनी है तो मैं अधैर्य नहीं हो जाऊं कोई भी चीज के लिए। तो जो गुण उनको धारण करना है, अपने आप को याद दिलाना है, तो ये एक तरीका है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो वास्तव में ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है of letting go and be free. छोड़ो तो छूटो का, जाने दो। मैं समझती हूँ कि हर रोज अगर हम ध्यान दें और अपना चार्ट रखें, लेकिन उसको स्नेह के संस्कारों को बढ़ाना, उनको शांति के संस्कारों को, माफ कर देने के संस्कारों को, रहम दिल के संस्कारों को बढ़ाना, तो जैसे हम ये संस्कारों को बढ़ाते हैं तो पुराने संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो फिर जो स्वभाव है, रहम दिल का जो स्वभाव है, फ्रांक दिल का जो संस्कार है, ये सारे संस्कार इमर्ज हो जाएंगे और जो पुराने संस्कार हैं वो दब जाएंगे। तो आज से हमारा जो अभ्यास है वो होगा छोड़ो तो छूटो। और हाँ, जरूर से हम उसको तोते की तरह दोहराएंगे नहीं, है ना? But we do it practically. पर हम उसको प्रैक्टिकल में करेंगे। बाबा had been saying in Murlis, बाबा मुरलियों में कहते आ रहे हैं, be in the emerge form now. अब इमर्ज फ्रॉम स्वरूप में रहो। ऐसे नहीं कि शांति दबी हुई है, अंदर मर्ज है, नहीं। इसलिए याद रखना है कि जब बाबा कहते हैं अपने समय और संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देना, तो वो व्यर्थ होता है जब वो बीती से आते हैं। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा या मेरे साथ कुछ किया और मैं देखूं उस व्यक्ति को,
तो मैं सोचने लगती हूँ कि क्या पिछली बार इस व्यक्ति ने क्या किया था, तो फिर परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन मुझे स्नेह होना चाहिए, शुभ कामना होना चाहिए, बाबा की दृष्टि हो और आप परिवर्तन देखेंगे। और अगर चाहे वो व्यक्ति वही कार्य भी करे, लेकिन मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं करूंगी, मैं उसको रिस्पॉन्ड या कोई और रीति से प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो हम उसको अलग अलग प्रैक्टिकल रूप में इन खजानों को, ज्ञान के खजानों को प्रयोग कर सकते हैं। Take this as our homework. तो हम ये अपने होमवर्क के रूप में लेंगे And we will keep our chat. और हम अपना चैट रखेंगे। ओम शांति। Transformation of old sanskars and old nature. पुराने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करें। छोड़ो तो छूटो, बाप दादा के पास बेहद की अखूट प्रॉपर्टी है जिसे कोई भी ले सकता है, लेकिन यह अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। और जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं, फिर दोष संस्कारों को देते कि संस्कार नहीं छूटता, छोड़ने से छूट जाएंगे। इसलिए कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। Let go, you will be free. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. Om Shanti Avyakti Parivar. तो इससे पहले कि हम अपने प्यारे केन भाई को बुलाना है, मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ, कल है थर्सडे और हम भोग स्वीकार कराएंगे शाम को। यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। ब्राह्मण परिवार में जीते हुए और सेवा करते हुए कैन भाई, आपका स्वागत है। ओम शांति भूमि बहन, ओम शांति दीदी, ओम शांति भाई और बहन। इतना अच्छा है आपसे, आपके साथ और ये जो बाप दादा ने मुरली में बताया इतना सुंदर था, और जैसे दीदी ने बताया। तो बाबा हमसे क्या चाहते हैं, जैसे कि मैं सोच रहा था, बाबा हमसे क्या चाहते हैं और बाबा हमारे लिए क्या चाहते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हम उनके साथ घर वापस जाएं, बाबा चाहते हैं कि हम बाप समान बने, और बाबा चाहते हैं कि हम हर मिनट को काउंट करें और हम अपने समय और संकल्पों पर ध्यान दें। लेकिन विशेष करके बाबा चाहते हैं कि हम मुक्त हों। और जैसे कि दीदी ने कहानी बताई उस तोते की जो टहनी पर मुक्त होना चाहते थे, लेकिन मुझे याद है बाप दादा ने मुरली में कहा था कि आप बच्चे जैसे कि पंछी हो जो टहनियों पे जो उड़ना चाहते हैं। और बाबा ने मुरली में बताया कि हाँ, बाबा ने हमें याद दिलाया कि टहनी को छोड़ दो, लेकिन फिर बाबा ने बहुत कुछ आवश्यक कहा कि आपने टहनी को पकड़ा हुआ है, टहनी ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है। तो बाबा से लेके शक्ति और उसको छोड़े, और फिर और जो बाबा हमें देते हैं उससे अपने आप को भरपूर करना, ताकि हम औरों को दे सकें, ताकि हम प्रकाश और ज्ञान लोगों के जीवन में ला सकें। तो मेरे लिए इसकी सबसे अच्छी सेवा जो हम कर सकते हैं कि हम लोगों को अपने स्वमान की सीट पर बिठाएं। तो लेकिन उसके लिए मुझे भी उस सीट पर बैठना होगा। तो मैं आज एक पहलू बताना चाहूंगी कि जो हम दूसरों के साथ सेवा करें, कि
कि ये जरूर से जाने देना छोड़ना, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मुझे उपराम जाना होगा अपने संस्कारों के प्रभाव से, और किसी और के संस्कार के प्रभाव के भी उपराम जाना होगा। लेकिन अगर मुझे सही में वास्तव में बाबा को इस कार्य में परिवर्तन के कार्य में मदद करना है, तो मुझे मुझे अपना भाग निभाना होगा। सिर्फ ज्ञान पूरा नहीं है, तो मुझे बाबा के साथ सच्चा दिल, साफ दिल चाहिए होगा। और हाँ, फिर जरूर से अगर मुझे में वो लक्ष्य है, तो छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा और बाबा के साथ जुड़ना भी बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ वही नहीं कि पाएंगे जो बाबा दे रहे हैं, लेकिन जैसे दीदी बता रहे थे कि उसको हजम करना, तो अपने अंदर उसको ले लेना। और जैसे मैं कार्य करती हूँ चीजों के साथ, और मैं याद कर रहा था वो कहानी जो जो तो जो शेरनी का दूध है वो सिर्फ सोने के बर्तन में ही समा सकता है। तो ये जो कहानी है, ये वास्तव में एक तिब्बत की कहानी है, तिब्बत तो कहीं और से भी आई है, लेकिन दो ये वहां पे हीरो हैं उस कहानी के अनुसार। जैसे कि दो ऐसे हीरो होते हैं, तो एक जैसे कि एक शेरनी है जो जैसे कि वो जो स्नो में रहती होती है, तो वो दो हीरो को बड़ा करती है, और फिर वो जैसे शेरनी का दूध पीते थे, और जैसे कि वो दूध को वो जैसे इस कहानी में एक सोने के बर्तन में रखते थे। तो बाबा एक ये पंक्ति का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे ध्यान जाए कि सिर्फ एक जो साफ बुद्धि है, एक शुद्ध बुद्धि है, एक स्पष्ट बुद्धि है, उसी के अंदर ज्ञान समा सकता है। वरना क्या होता है, ये सिर्फ शब्द बन जाते हैं। तो पहली चीज जो मुझे चेक करनी है वो ये है कि मेरा जो दृष्टिकोण है अपने लिए और औरों के लिए ज्ञान के आधार से, और कि अगर क्या मेरा जो वृत्ति जो है वो मेरी शुद्ध है। क्योंकि मुझे बात करनी है आज की ये जो कि शुभ भावनाएं देने हैं, कि अगर हम मुश्किल परिस्थिति में है तो क्या हम कर सकते हैं कि हम सोचे कि दूसरा व्यक्ति के अवगुण को सुने। हम चाहते हैं कि वो परिवर्तन होए, लेकिन हम उनके अवगुण के बारे में सोच रहे हैं, तो हम बिल्कुल उल्टा कार्य कर रहे हैं। तो उनको हम मदद कर रहे हैं वो ही उल्टे संस्कारों को प्रयोग करने में। तो जैसे कि मुझे कैसी स्थिति चाहिए जिससे मैं दूसरों को मदद कर सकूं, और इसीलिए प्रश्न आता है कि क्या मेरा दृष्टिकोण ज्ञान के आधार से है, क्या मेरी भावना है लोगों के प्रति, परिस्थिति के प्रति, कि वो ऐसी भावनाएं हैं जो बाबा के समीप है। जैसे कि आज बाबा ने बात करी कि रहम दिल होने के, आज की सुबह की मुरली में कि रहम दिल, तो मैं कितना रहम दिल हूँ, कितना मुझे समझ में आती है कि इतना आइडिया हो कि मैं पहचानती हूँ कि लोगों के दिल कितने छोटे या गरीब हैं, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो कि किसी को देने के लिए, किसी और को देने के लिए, किसी को जो बाबा चाहते हैं कि मैं वैसा बनूं, उस वो बनने के लिए, और अगर सकाश देने के लिए किसी को शुभ भावना देने के लिए, तो ये सिर्फ इसका प्रश्न नहीं है कि हम एक मेडिटेशन कमेंट्री चला दें, पर यह है कि हम एक ऐसी स्थिति बनाएं जिसमें मैं एक निमित्त बन सकती हूँ, जिसके द्वारा बाबा का करंट वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुँच सकता है जो परिस्थिति जिसमें मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसकी जो तैयारी क्या है ऐसा करने की, कि बाबा का निमित्त बनने के लिए कि वो प्रकाश लेके, शक्ति लेके और किसी को भेजना। मुझे पता है कि वहाँ परेशानी आ रही है, मुश्किलात आ रही है, तो मुझे बाबा के साथ एक क्लियर लाइन, एक साफ दिल रखना है, साफ लाइन। तो मुझे याद है कि बहुत सा थोड़ी मेडिटेशन कमेंट्री में जो मैंने दादी जान के द्वारा सुनी है, वो मेडिटेशन कमेंट्री आमतौर पे नहीं करती थी, लेकिन एक जो सुने तो वो बात कर रहे थे एक में कि बाबा के पास जाकर, और सिर्फ बाबा के पास जाने का एक ही तरीका है कि सिर्फ साफ दिल ही जा सकता है बाबा के पास।
जो ऐसी लाइन जो बिल्कुल कहीं से रुकी हुई नहीं है, ताकि हम बाबा के साथ बहुत आसानी से जुड़ सके कोई भी समय, विशेष करके अमृत वेला पर। और इसलिए अगर मैं जो सही में लोगों की मदद करना चाहती हूँ, और अगर मुझे अपने आप की मदद करनी है, तो मुझे वो ऐसे साफ जगह चाहिए ताकि बाबा मुझे प्रयोग कर सके। जो कोई भी कुछ मुझे बांधे हुए है या रोक रहे हैं, तो उसको साफ करना है। क्योंकि जैसे बाबा ने आज कहा कि हमारे जो कर्म बंधन है वो हमारे को मुश्किल बना देते हैं, लेकिन जो व्यर्थ संकल्पों का कर्म है, जो नकारात्मक सोच का जो कर्म है, वो मेरा जो लाइन है बाबा के साथ उसको बंद कर देता है, या मुश्किल हो जाता है दूसरे को मदद करना। तो हम सब बदलना चाहते हैं ना, कोई भी हमें से ये नहीं चाहता कि हमारे संबंध किसी के साथ भी खराब हो, चाहे और बीके के साथ या परिवार वालों के साथ, नहीं कोई भी नहीं चाहता। लेकिन क्या होता है, कुछ जैसे हम सोचते हैं उसके अंदर कुछ रबिश यानी कि कुछ खराब कचरा भरा हुआ होता है। तो जब हम कनेक्शन करते हैं तो वो उस लाइन पर होता है कि जो एकदम फ्री हो, कुछ भी नहीं हो। तो मेरा जो कनेक्शन है बाबा के साथ, वो माया का कुछ भी उसमें मिक्स नहीं हो, क्योंकि अगर क्लियर कनेक्शन नहीं होगा तो मैं बाबा की शक्तियां नहीं पा पाऊंगी। तो हो सकता है जैसे कि एक बाल्टी भरने के बराबर है जिसमें छेद है, कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, सबसे अच्छा मैं वही कोशिश करूँ कि बाबा जैसे बनूं, मैं बाप समान बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैंने ये एहसास नहीं लिया है क्योंकि मैं दूसरों की नकारात्मक चीजों को देख रहे हैं, दूसरों के अवगुणों को देख रहे हैं। तो वो जो गुण है, जो अवगुण देखने से मेरी भी मैं अपने आप को मदद नहीं कर रही उस द्वारा, और दूसरों को भी मदद नहीं दे रही। तो उनको बाबा के साथ अगर मैं कनेक्ट करूं तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जो मैं चाहूंगी, क्योंकि उससे मैं निराश हो सकती हूँ, उससे मैं जैसे कि अलबेली हो सकती हूँ। क्योंकि माया का जो सबसे बड़ा मुख्य कार्य है कि वो है कि मैं बाबा की शक्तियां ना प्राप्त कर सकूं। माया का सबसे मुख्य कार्य यही है। तो बाबा बताते हैं हमें, तो ये स्मृति नहीं है कि हम ओबीडियंट हो, यानी आज्ञाकारी हो, वफादार हो, और जो बाबा के साथ हमारा कनेक्शन हो। अगर मैं किसी को मदद करने की कोशिश करती हूँ तो वो शक्ति वहां तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसमें मिक्स हो जाता है। और ये जो पहलू है साफ दिल का, इसका अर्थ है कि मेरा संबंध भी साफ है, संबंध दूसरे आत्माओं के साथ वो उस पे आधारित होते, कि जैसे हम उनके साथ बातचीत में आते हैं दोनों बातों में, तो उसी रीति से जो मेरी जो बातें होती हैं बाबा के साथ, तो वो एक ऊंच स्तर के होने चाहिए। अगर जैसे कि आज सुबह में बाबा ने कहा कि मेरे को उलहना नहीं दो, कंप्लेनिंग नहीं करो, बस मुझे याद करो, फरियाद करो, तो अगर मेरी बात हो रही है दिल से दिल की, बाबा से रो रहे हैं, तो मैं बाबा को अपने आप को समर्पित करूं। और मुझे ये बहुत स्पष्ट एहसास हो कि अगर कुछ मिक्स है तो बाबा की मदद से मैं उसको निकाल सकती हूँ। तो ये सही में ये जो एक स्पष्ट लाइन है, ये कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बुद्धि को करना है, लेकिन ये और जैसे कि एक जैसे कि एक्सरसाइज है कि हम आत्मा और परमात्मा में स्नेह भरी भावना है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान जो है बीज है और स्नेह पानी है, तो अगर बीज को पानी नहीं मिलता तो कैसे, तो कोई फल कैसे प्राप्त होगा। तो ज्ञान किया प्रकाश प्राप्त करने के लिए, तो मैं सही में सोचता हूँ कि बाबा का जो स्नेह है वो मुझे समीप लेके आता है सारे जो प्राप्तियों का फल है उसके। तो एक रीति से शुभ भावनाएं और जो सकाश विशेष करके जो हम लोगों को भेजना चाहते हैं परिस्थितियों में, तो ये सही में एक सबसे अच्छा रूप है व्यक्त करने की जो प्राप्तियां हैं जो मुझे बाबा से प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमें साफ होना है, दूसरों के अवगुण देखना या उनको रखना या ऐसी परिस्थितियों को अपने दिल में रखना, वो हमारे को नीचे करते हैं। जो हमारी क्षमता है बाबा के साथ, जो हमारा कनेक्शन हो सकता है, वो मेरे पुरुषार्थ जो है उससे बढ़ना चाहिए, चीजें बेहतर होनी चाहिए।
बाबा पिता भी है सब सर्व स्रोत का बाबा के पास हर एक के लिए बेहद का स्नेह है। आखिरी आत्मा भी बाबा कहते हैं कि वो भी मुझे बहुत प्यारे हैं। तो तो मुझे संपन्न बनना है कि वो कनेक्शन जो है स्पष्ट हो और साफ हो ताकि फिर बाबा मदद कर सकते हैं, मुझे मदद कर सकते ताकि मैं औरों को मदद करूं, बाबा मुझे यूज कर सकते हैं ताकि मैं औरों को मदद करूं। तो ये साफ जो बर्तन के लिए जो बाबा जिसे बात करते हैं सोने का बर्तन जिसमें शेरनी का दूध आता है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने साथ सच्चा होना है कि मुझे जैसे कि तुलना करनी है कि मेरे अपने जो आदि संस्कार हैं, जो अभी मेरे जो आदि संस्कार एक तरफ और दूसरी तरफ कि क्या संस्कार हैं जो इस समय के हैं, क्या उन दोनों में अंतर है। तो अगर अंतर है तो फिर मुझे पहचानना होगा कि वो क्या अंतर है और उनको बाबा को देना होगा। तो ये तो बहुत आसान होना चाहिए, लेकिन ये आमतौर पर क्या होता है जो मिक्स होता है, जो आत्मा में अलॉय होता है, जो दीदी ने जिसके बारे में कल बात करी, तो मुझे तुलना करनी चाहिए जैसे मैं सोचती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैं चीजें करती हूँ उस चीज के साथ जैसे बाबा मुझे मुरली में रास्ता दिखाते हैं उसके अनुसार है कि नहीं, और मैं देख पाऊँ कितना मैंने अपना समय व्यर्थ करवाया। जैसे कि बाबा कहते हैं कि हर मिनट जो है उसमें महान है, और जो भी इस महीने हमने करा है तो हमें परिवर्तन करना है जो व्यर्थ को समर्थ, और अगर मैं ध्यान दूं इसको तो मैं शक्तिशाली बन सकती हूँ, समर्थ बन सकती हूँ, तो मुझे विजय मिल सकती है जो बाबा बात करते हैं। क्योंकि जब तक मैं समय व्यर्थ कर रही हूँ तो मैं शक्तिशाली नहीं होंगी, मैं सफल नहीं होंगी। और अगर हम कोशिश कर रहे हैं हमारे संबंध को औरों के साथ पूरा करना है तो जरूर से जो है सिद्धि या सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो अनुभव करना ये बाबा के साथ वो मिलन पूरी तरह से कि मेरा पूरा स्नेह है, जैसे कि वो मुझे भरपूर करना है, जो हमारा तरफ का जो वायदा है बाबा से कि बाबा उससे मुझे प्यार करते हैं कि मैं बेहतर निमित्त बनूं ताकि बाबा का सकाश का प्रयोग, बाबा का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग करके औरों को मदद दूं। तो मुझे जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो मुझे बाबा के साथ सच्चा होना पड़ेगा कि जो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ या जो मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ, तो मुझे बहुत स्पष्ट होगा इस बारे में कि मैं क्या गलतियां कर रही हूँ, और मुझे एक बहुत ही जो सेवा है उसका चार्ट रखना होगा। तो मुझे इस सफाई का टॉपिक देखना होगा, तो मुझे बाबा इस कार्य में मदद करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो है ये इतना अच्छा प्रोग्राम है ये महीना का कि अपने संस्कारों को परिवर्तन करना और उनके साथ सेवा करना और जीना। तो जैसे कि दिल से जो मैंने सबके साथ बांटा, लेकिन हम सबको इस परिवर्तन पर ध्यान है जो हमें करना है या लाना है। तो मुझे ये सीखना है कि छोड़ना कैसे है और परमात्मा को करने दे जो उन्हें करना है। तो ये टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, जाने दे और परमात्मा को करने दे। तो परमात्मा को प्रयोग करने दे मुझे एक निमित्त के रूप में, ताकि जो कोई भी मेरे साथ संबंध है उसको मैं बेहतर बनाऊं। तो थोड़े संकल्प आज के लिए, तो अब हम थोड़ा योग करेंगे ताकि फिर हम